तो प्यारे लाल जी, हमें बताएंगे आप अपना भीगा हुआ कुलचा कैसे बनाते हो? ये कुलचा भीगा बनने में इसको 2 मिनट लगते हैं। अच्छा, ये 2 मिनट के बाद ये रेडी हो जाता है। बाकी जो इसके अंदर जो ग्रेवी होती है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये चने की ग्रेवी होती है, वो ग्रेवी पिया था उसे स्टफ बन जाता है बिल्कुल सॉफ्ट। अच्छा, वो इसी बाकी राय तो मैं आपको नहीं बताता, बाकी आप खा के ट्राई कीजिए। तो आप ये छोले की सब्जी घर से बना के लाते हो कि यहीं पे प्रिपेयर करते हो? ये हमारे किचन है, यहीं पे ही हम यहीं बनाते हैं सब कुछ। तो क्या क्या डालते हो आप छोलों में? छोलों में मसाले वगैरह सब जितने मसाले होते हैं, जैसे कि और घी तेल नहीं डालते, घी तेल साबित करने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम है। और इसमें लहसुन प्याज भी नहीं होता, लेकिन मैं लहसुन प्याज की घंटी इसलिए लेता क्योंकि ना छोले निकालते हो डालते वक्त ना प्याज गिरने का डर रहता है। अच्छा, इसलिए मैं लहसुन प्याज की गारंटी नहीं देता। और इसमें लहसुन मतलब लहसुन प्याज घी तेल नहीं होता, साबित करने वालों को 1 लाख रुपए का नाम है। लेकिन मैंने आपको बताया कि डाउट वो होता है जो प्याज बीच में बाई से गिर जाता है। अच्छा, उसमें बस इसलिए मैं उसके लिए ऊपर 1 लाख रुपए नहीं दूंगा लहसुन प्याज पे। घी तेल निकला तो 1 लाख रुपए का नाम है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए जीतना है तो आप यहाँ पे आके ट्राई करो और साबित कर दो इनको कि इस छोलों में घी तेल है कि नहीं। हाँ, है कि नहीं। तो अभी तक तो खैर कोई नहीं आया, तो हम आ गए हैं यहाँ पे, हम आ गए हैं यहाँ पे कि आप घी तेल साबित करो और 1 लाख रुपए इनाम लेके जाओ। इसे 2 मिनट हो चुके हैं। अच्छा, तो आप इसमें प्याज डाल रहे हो ऊपर से? कोई प्याज खाता है या नहीं खाता? अच्छा, इसलिए छोलों में लहसुन प्याज तो होता नहीं है, कोई प्याज खाता भी है कोई नहीं भी खाता। ये चटनी भी लहसुन प्याज के बिना होती है? बिना लहसुन प्याज की आपकी चटनी है, हरी चटनी? जी जी, चटनी में लहसुन प्याज नहीं होता। तो ये एक मिर्च वाली चटनी है या कि पुदीने की? किस ये धनिया पुदीना भी होती है। अच्छा, धनिया पुदीना और इमली, 3 चीज़ें इसमें होती हैं। इसमें लहसुन प्याज डलता है चटनी में। और ये अचार आपने काफ़ी वैरायटी के रखे हुए हैं? ये है हमारा गाजर का अचार। अच्छा, जो सीजन के हिसाब से मिलता है। अच्छा, आप दिखा सकते हैं हमें? हाँ जी, ये गाजर का अचार है जो सीजन में मिलता है। अच्छा अच्छा, सर्दियों के सीजन में मूली गाजर और ये दोनों अचार मिलते हैं। और गर्मियों में हमारे पास आम का अचार होता है, कच्ची अम्बियों का, कच्चे आम का अचार, मिर्ची, ये मिर्च का अचार है। हाँ, ये तो अब सीजन के हिसाब से है ना। अच्छा, गाजर का अचार और सीजन में ये 12 महीने में मिर्ची मिलती है और सीजन में मूली। अच्छा, ये मूली है और इसमें ये ऑरेंज ये मूली है, सिरका है इसमें। अच्छा, सिरका है साथ, सिरके वाली मूली। अच्छा अच्छा, और ये है हमारा सिरके वाला प्याज। अच्छा, अदरक लहसुन, हाँ ये 12 महीने मिलता है। अच्छा, और ये सीजन के हिसाब से दोनों चीज़ें मिलती हैं, बाकी गर्मियों में अम्बियाँ। अच्छा, तो मुझे कौन सा अचार ट्राई करना चाहिए इसके साथ? नहीं, आप सब खाओ, सब टेस्ट करो, बहुत अच्छा है, तो सारे अच्छे हैं अचार। तो आपने ये रेसिपी कहाँ से सीखी? ये रेसिपी हमारे फादर ने सिखाई थी। अच्छा, ये उन्हीं से सीखे हुए। अच्छा अच्छा, तो कितना टाइम हो गया आपकी शॉप को? मेरी शॉप को, मेरे काम को तो 18 साल हो गए हैं। अच्छा, शॉप को शुरू किया अभी 3 महीने हुए। अच्छा, ये 3 महीने से, तो 18 साल से आप बाहर लगा रहे थे ये अपना? अच्छा, ये हमारा हो गया अचार गाजर का, काम कर दूँ बेच जाएगा। ये मूली का सीजन के हिसाब से, गर्मियों में फिर कच्ची अम्बी का अचार आता है। अच्छा, हमारा वो भी फेमस है। कोई नहीं, गर्मियों में आएंगे आपका कच्ची अम्बी का अचार भी ट्राई करेंगे। मेरी शॉप की टाइमिंग सुबह 8 से 3 बजे तक। अच्छा, सुबह 8 से 3 बजे तक? 3 बजे तक पूरे हफ्ते? 7 डे ओपन होता है, छुट्टी अपनी दुख सुख की। अच्छा, ठीक है, तो बाकी पीछे स्टाफ है देखने के लिए? हाँ जी। अच्छा, स्टाफ मेरे पास है, बाकी बाहर का वो जो हमारा पुराना वाला है वो तो है। अच्छा, वो रहेगा जब तक चल रहा है। ठीक है, ये अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए, कस्टमर के आराम के लिए खोली है। तो अब आप हमें नई शॉप का एड्रेस बताने बता दो। मेरी शॉप का एड्रेस है 1/179। अच्छा, सुभाष नगर, तो दिल्ली 27। आप कहीं पे भी इनका नाम लेंगे, प्यारे लाल जी का नाम लेंगे, वो आपको सीधा यहीं पे छोड़ देंगे। जी जी, तो जी, आप कहीं भी पूछ के आ सकते हो। वैसे शॉप का नाम इन्होंने बता दिया, वो गूगल पे सर्च कर देंगे, जीपीएस में अपना डाल देंगे। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस डाल दूंगा, तो गूगल मैप से आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। जी, आइए हम जान लेते हैं यहाँ पे कि जो भी कस्टमर्स आते हैं उनका क्या रिव्यू है यहाँ पे। तो भैया, आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? मेरे को तो हो गए 2 साल आते हुए, मतलब मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ने आता हूँ आगे। अच्छा, नहीं, जब यहाँ निकलता हूँ। अच्छा, कभी कभी मम्मी घर पे ना, तो यहाँ से अपना पूरा था लंच। अच्छा, तो क्या आप यहाँ पे क्या खाना पसंद करते हो? भीगा कुलचा काफ़ी फेमस है यहाँ पे। अच्छा, मैंने दिल्ली में और कहीं जगह खाया नहीं है ये। अच्छा, यहीं पर खाया और टेस्ट भी इसका काफ़ी अनोखा था, मतलब थोड़ा तभी ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे। तो अब पहले तो बाहर जाके खाते थे, बट अब इन्होंने नया सेटअप कर दिया है यहाँ पे। हाँ, पहले बाहर तो साइकिल पे। हाँ जी, बट वहाँ भी चलता रहता है, बढ़िया भीड़ है वहाँ भी, यहाँ भी बढ़िया भीड़ है। तो
फ़र्क है कुछ स्वाद में, कुछ डिफरेंस है यहाँ पे कि यहाँ पे बनाने वाला सेम मतलब स्वाद भी सेम है। अच्छा।